हेलो किसान मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे किसान भाई मेरे से सवाल करते हैं कि हमारी गाय भैंस में दूध तो बन जाता है काफ़ी, लेकिन उसमें फैट काफ़ी ज़्यादा कम होता है, क्योंकि कई लोगों के घर का गुजारा दूध बेच के ही होता है। वो भी दूध फैट के आधार पे जाता है, आपको पता है। और पानी के बाद दूध जाना अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है किसानों का, क्योंकि फिर उतने का आपका दूध नहीं बिकता जितने का बेस्ट चारा खा जाती है, जितना उस पे खर्चा आ जाता है। तो आज मैं आपको दो बेस्ट तरीके बताने जा रहा हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपकी हेल्प के लिए, किसानों की हेल्प के लिए मैं बैठा हूं, ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। तो सबसे पहला, आपको पहले थोड़ी साइंस बता दूं, थोड़ा सा समझा दूं कि जो देसी गाय हमारी होती है, शाहीवाल हो गई, रेड सिंधी हो गई और हमारी गिर हो गई, जो देसी गाय है वो दूध, उनकी दूध में फैट का कंटेंट काफी ज्यादा नेचुरली हाई होता है। कई कई तो 5, 6, 7 तक फैट दे देती हैं, फैट कंटेंट होता है। और जो वलैतनी होती हैं, हमारी वलैतन गाय जिसको HF कह देते हैं, उसमें जो फैट का कंटेंट काफी ज्यादा लो होता है, क्योंकि उसकी दूध की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा दूध देती है, इसलिए फैट कंटेंट काफी ज्यादा लो हो जाता है। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि जो आप दार निकालते हो, जब जब दूध की चवाई करते हो, तो जो सबसे पहला दूध होता है गाय का, उसमें फैट कंटेंट कम होता है, और जो मिडिल वाला होता है उसमें थोड़ा ज्यादा, और लास्ट वाले में सबसे ज्यादा फैट होती है। तो आप सबसे पहले बछड़े को दूध पिलाना, उसके बाद दूध की चवाई करना, और हो सके तो लास्ट वाला दूध आप फैट के आधार पे डेयरी पे बेच सकते हो। दूसरी चीज आपको बता दूं कि कैसे दूध में फैट का कंटेंट नेचुरली बढ़ सकता है। तो सबसे पहली चीज है जो हमारी सरसों की खल होती है, जिसमें जैसे सरसों का तेल निकालते हैं, और तेल के बाद जो वेस्ट बच जाता है उसको सरसों की खल कहते हैं, मस्टर्ड केक जिसको बोल देते हैं अंग्रेजी में, वो आपको यूज करनी है। उससे गाय भैंस का नेचुरली दूध काफी ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें फैट का कंटेंट भी काफी हाई हो जाता है, नेचुरली 1 से 2% का फर्क पड़ जाएगा। दूसरी बात कि आपको अपने गाय भैंस को 60% हरा चारा देना है और 40% आपको ड्राई मैटर देना है, मतलब आपको 60% के करीब हरा चारा डालना है और 40% के करीब ही आपको जो सूखी घास है या तूड़ी है ऐसी चीजें देनी है, क्योंकि अगर आप ये चीजें ड्राई मैटर ज्यादा दोगे तो आपके जो गाय भैंस के दूध में फैट की क्वांटिटी, फैट की परसेंटेज काफी ज्यादा कम होगी। तो ये दोनों चीजें आप ट्राई जरूर करना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप आपको बढ़िया नॉलेज मिली होगी, तो मुझे प्यार दिखाना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।